हूँ, मैं दीपंकर समद्दार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। आज मैं स्टूडेंट लोगों के पढ़ाई से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ कि एग्ज़ाम में, प्रोफेशनल एग्ज़ाम में कैसे अपियर होना है और उस एग्ज़ाम में और उसकी तैयारी किस तरीके से हम लोग को हैंडल करना पड़ता है। मैं आपको बता दूँ, स्ट्रेस सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एग्ज़ाम देने के लिए। जैसे मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया और भी काफ़ी सारे कोर्सेज किए, ये सारे में मैंने देखा कि स्ट्रेस बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी स्टूडेंट का स्ट्रेस लेवल बहुत इंक्रीज होता जाता है जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आने लगता है। उससे पहले तो वो अपनी कोशिशें करता रहता है, अपनी तैयारियां करता रहता है। लेकिन मैं आज आपको 8 आइडिया और टेक्निक्स बताने वाला हूँ जो कि आपको एग्ज़ाम, प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स, CA, CS, ICWA, BBA, MBA, ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए आपको बहुत अच्छे से तैयार करेगा। मैं आपको बोलता हूँ कि आप 4 महीने का स्लॉट आपके पास में बचा हुआ है अगर, तो फिर मेरे आइडियाज़ आपके लिए बहुत अच्छे काम करने वाले हैं। और एक चीज़ बता दूँ, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो नीचे लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन ज़रूर दबाइएगा। आप सोच सकते हैं उससे ज़्यादा आपके काम आएगा ये चैनल। तो पहला मेरा आइडिया ये है कि कम से कम 4 महीने पहले आप पढ़ाई चालू करें। दूसरा, कि आपने अगर कोई कोचिंग क्लास लिया है, कोचिंग किया है, पढ़ाई किया है, तो प्रोफेशनल कोर्सेज में क्या होता है कि आपका जो स्टडी मटेरियल है, वो स्टडी मटेरियल का कंटेंट हमारे से छूट जाता है जब हम एग्ज़ाम देने के लिए सोचते हैं। हम क्या करते हैं, कोचिंग के मटेरियल को इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं और वो इतना ज़्यादा हैवी होता है कि हम लोग उसको कवर नहीं कर पाते। मेरा ये कहना है कि थोड़ा सा मार्क्स किसमें, कौन से यूनिट में कितने आने वाले हैं, उसके प्रति हम लोग एक बार सिलेक्टिव हो जाएं तो ज़बरदस्त काम कर सकते हैं। हम लोग को थोड़ा सा चूजी होना पड़ेगा, हमको टारगेट बनाना पड़ेगा कि हम लोग 70-80-90 मार्क्स तक ज़बरदस्त तरीके से अटेम्प्ट कर पाए। 10-15-20 मार्क्स के लिए हम लोग ज़्यादा मेहनत ना करें। हमको जिस यूनिट में पढ़ाई करके, कम चैप्टर्स पढ़ के, उसको अच्छे से समझ के मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं, सबसे पहले उस यूनिट्स को हम लोग ख़त्म करें। तो 4 महीने में से जो सबसे पहला 2 महीना है, उस 2 महीने में हम लोग अपना कोचिंग मटेरियल को फास्ट फिनिश करें। और एक चीज़ बताऊं कि हमारे कोचिंग मटेरियल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको अच्छे लगते हैं कि भाई ये वाला चीज़ मेरे काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर कर रहा है, तो आप उस पेज को मोड़ कर रखिए, चाहे वो सॉल्यूशन शीट हो, चाहे क्वेश्चन शीट हो, और उसका कनेक्टिविटी आपने कहाँ पर आंसर शीट में रखा हुआ है वो ज़रूर डालिए। दूसरा, आप लोग फ्लैप डालना ना भूलिए। जहाँ जहाँ पर आपको लगता है कि ये वाला पेज इंपॉर्टेंट है और इस पेज में जो इन्फॉर्मेशन है वो इम्पॉर्टेंट है, तो वहाँ पर फ्लैप ज़रूर लगाइए। वो फ्लैप लगाने से क्या होगा कि जब भी हम लोग रिवाइज करने जाएंगे तो हम उस फ्लैप तक डायरेक्टली पहुँच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो कोर्स मटेरियल है वो 1000 पेजेस का होगा, लेकिन 1000 पेजेस का कोर्स मटेरियल हम पहली बार, हो सकता है एक बार पढ़ लेते होंगे रीडिंग के लिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एवरेज रिसर्च के अनुसार जो 1000 पेजेस होते हैं उससे हम लोग मैक्सिमम 700-800 पेज ही पढ़ते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे पेजेस हमारे काम के नहीं होते, तो वो वाले काम के हट गए। फिर जो हमने 700-800 पेजेस पढ़े हैं उसमें भी हमारे लिमिटेड और 20-30% पेजेस ऐसे होंगे जो एक बार पढ़ने के बाद में हम लोग क्लियर कर सकते हैं कि इन पेजेस को हमको पढ़ना है, इन क्वेश्चंस को पढ़ना है, इसको देखने से मेरा रिवीजन फास्ट होने वाला है। तीसरा चीज़, आप स्कैनर या फिर कोई भी बैक ईयर्स के क्वेश्चन, आपके पास में क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबिलिटी होती होगी तो वो उसको ज़रूर देखिएगा और उसके सजेस्टेड आंसर्स ज़रूर देखिएगा। चौथा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लास्ट एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आए थे वो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। उसमें अगर फॉर एग्जांपल किसी यूनिट, एक यूनिट फॉर एग्जांपल 20 नंबर का होता है, उस यूनिट में 4 चैप्टर हैं जिसमें से 2 चैप्टर के क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं, तो हमको देखना पड़ेगा कि वो जो 2 चैप्टर के क्वेश्चन आ चुके हैं उसके अलावा जो दो चैप्टर हैं उसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ा जाए, क्योंकि अब पॉसिबिलिटी कि सेम वो चैप्टर रिपीट ना करें। पाँचवा चीज़ कि जब हम ऐसा कर रहे हैं, एक यूनिट के अंदर में चैप्टर्स को भी सिलेक्ट कर रहे हैं, तो हमको ध्यान देना पड़ेगा कि लास्ट एग्ज़ाम में फॉर एग्जांपल 2 चैप्टर में से एक से आपका न्यूमेरिक क्वेश्चन या प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया और दूसरे से थ्योरी क्वेश्चन आया, तो अब इन दोनों में हमको कैसे छांटना होगा। जिसमें से न्यूमेरिक क्वेश्चन आया उसकी थ्योरी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जिसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया उस और जिसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया उसके न्यूमेरिक क्वेश्चन या प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़रूर करिएगा। तो उससे क्या हो गया कि वो 2 चैप्टर को कवर कर लिया हमने और बाकी उस यूनिट के जो 2 चैप्टर होंगे
उसको भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल भी और थ्योरी दोनों पढ़ लीजिएगा। तो इस तरीके से आपका लगभग 25% का एफर्ट यहाँ पर बच जाता है पूरी यूनिट को 100% पढ़ने से। छठवां इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आप अपना अगर कोई नोट्स बनाने का आदत रखते हैं तो नोट्स ज़रूर बनाइएगा, और चैप्टर वाइज आप नोट्स बना सकते हैं। और ये नोट्स देख देख के लिखना या उसके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, जब भी हम लोग कोई चैप्टर पढ़ लेते हैं ना, तो आप अपने आप से पूछें कि आपने उस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ी। जब आपको क्लियर हो जाता है कि हाँ मैंने उस चैप्टर में ये 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 टॉपिक पढ़ी है, आप सिर्फ वो टॉपिक लिख लीजिए और उसके बारे में जो भी आपने समझा उसको बहुत अच्छे से शॉर्टकट में लिखते चले जाइए। ये सिर्फ आपके याददाश्त रखने के लिए। मैं आपको बता दूँ, ये चीज़ मैं हमेशा फॉलो करता रहा हूँ, और एवरेज स्टूडेंट होने के बावजूद मैंने काफ़ी सारा उसमें मेंटल याददाश्त को बढ़ाया है इस तरीके से। तो हम लोग क्या करते हैं कि एग्ज़ाम में काफ़ी पढ़ाई कर लेते हैं लेकिन उसका रिवीजन का मॉडल हमको समझ में नहीं आता। तो मैं छठवा जो पॉइंट है मैं ये बताना चाहता हूँ कि रिवीजन के समय क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। मैं आपको बताऊँ, आप चैप्टर, मैं आपको पहले अपना एग्जाम्पल बताता हूँ कि मैंने क्या किया था। अपने सीए के जो पहला एग्ज़ाम था, फर्स्ट टर्म में मैंने 16 आवर्स पढ़ाई किया, बट मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आए थे। और पता नहीं क्यों मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि 16 घंटे मैंने पढ़ाई की, उसके बाद भी मेरे मार्क्स इतने कम आ गए। तो मैंने बाद में एनालाइज़ किया कि मैं क्या कर रहा था, क्वांटिटेटिव जा रहा था, मैं क्वांटिटी में ज़्यादा था, चैप्टर ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ इस पे मेरी ज़्यादा ध्यान थी। लेकिन उस चैप्टर का मैंने सारा चीज़ समझ लिया कि नहीं और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, इस पे मैं ध्यान नहीं दे रहा था। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको रिवीजन के लिए नोट्स ज़रूर बनाने चाहिए, और चैप्टर को रिकॉल करिए कि रिकॉल में हमने कौन कौन से पॉइंट्स पढ़े थे, उस पॉइंट के बारे में मुझे क्या याद है। अगर लगता है कि नहीं मैंने पॉइंट जो पढ़ा था उसमें थोड़ा सा कुछ मिस हो रहा है, तुरंत आप पेज पलटिए और उस चीज़ को देख लीजिए और अपने दिमाग में रजिस्टर कर लीजिए, ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। सातवां इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी आखिरी के कुछ दिन बचे हों एग्ज़ाम के, तो आप फटाफट क्या करिए, पूरे पेजेस जो आपने पढ़े होंगे और पहले काफ़ी सारे फ्लैप लगाए होंगे या पेज मोड़े होंगे, उसको सिर्फ उतने को पढ़िए और उसमें से भी फ्लैप निकाल दीजिए जो आपको लगता है कि नहीं अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फाइनल रिवीजन के समय ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे करके हो सकता है कि आपने 100 पेज मोड़े होंगे या 100 फ्लैप लगाए होंगे, अब आपके पास 50 या 60 फ्लैप बचे हैं जो आप एग्ज़ाम के समय, निकलते समय आप उसको देखना चाहते होंगे। तो अब एग्ज़ाम वाला दिन सुबह आता है, और ये आठवां आइडिया आप ध्यान रखिएगा, हमेशा काम आने वाला है और आप एग्ज़ाम में सक्सेस होंगे ये पक्का है। क्या कि आपने जो अपने कॉपी में या नोट्स में जो फ्लैप्स लगाए हैं, वो फ्लैप्स को कॉपी खोलिए, वो देखिए और फ्लैप्स को निकालते चले जाइए और फेंक दीजिए। और अगर आपने पेज मोड़े हुए थे तो पेज को खोल दीजिए, और फाइनली जब आखिरी पेज में आप रहेंगे करने के बाद उसको क्लोज कर दीजिए और उसको आराम से शांति से साइड में रख दीजिए। माता पिता के पैर छूइए, एग्ज़ाम देने जाइए, बेस्ट विशेस लीजिए, और किसी और से किसी टॉपिक पे चर्चा करने की कोशिश कम करिएगा। सबका आदत डिफरेंट होता है मैं जानता हूँ, लेकिन कम करिएगा, एग्ज़ाम हॉल में जाइए। और ये बोनस टिप भी देने जा रहा हूँ, पानी पीते रहिएगा। अगर आपके पास बॉटल है तो बॉटल लेकर जाइए, नहीं है तो वहाँ पे हर एग्ज़ाम हॉल में कंटिन्यूसली पानी देने वाला आता रहता है, आप पानी पीते रहिए और देखिएगा कि आपके अंदर ऑक्सीजन फ्लो बढ़ते जाता है। इंसान स्टक हो जाता है जब उसके पेपर्स हार्ड होते हैं, तो आप स्टक मत होइएगा, पानी पीते रहिएगा, और जितने बार आपको लगता है वॉशरूम जाना है आप जाइए, अपने आप को रिलैक्स रखिए। मैं आपको बता रहा हूँ पेपर 3 घंटे का होता ज़रूर है, लेकिन वो आराम से 2.5 घंटे में सॉल्व किया जा सकता है। लोग टेंशन के कारण एग्ज़ाम ठीक से नहीं दे पाते। पेपर जब आता है, क्वेश्चन पेपर, एक और बोनस आइडिया दसवा, पेपर जैसे ही आता है तो आप देखिए कि सबसे जल्दी कौन सा क्वेश्चन मुझसे सॉल्व होने वाला है जिसमें मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। थोड़ा सा सेल्फिश बनिए, फटाफट आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए जिसमें मार्क्स ज़्यादा है और आपको जल्दी आता है, तो आपका देखेंगे कि स्कोर बढ़ता चला जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। एक और बोनस आइडिया, 11th पॉइंट, जब आपके पास पेपर आता है ना, उस समय आपके दिमाग में सब बातें फ्रेश होती हैं। तो आप क्या करिए, आपका जो आंसर शीट मिला है उसके लास्ट पेज लीजिए और उसमें लिखिए रफ पेज करके, और उसमें हर क्वेश्चन से संबंधित जो आपने पढ़ा, क्वेश्चन पेपर आया उससे संबंधित सारे जानकारी जो आपको लगता है या पॉइंट्स हैं जो आप लिखने वाले हैं बाद में, उसको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए। उससे फ़ायदा क्या होने वाला है,
कि आपको बाद में याददाश्त में कोई भी कमी नहीं आने वाली, क्योंकि आप पूरा पढ़कर आए हो, आपके दिमाग में फ्रेश है। अगर आप वो सारे पॉइंट लिख लेते हो, आप जंग वहीं आधा जीत जाते हो। तो दोस्तों, CA, CS, ICW और कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एग्जाम बहुत अच्छे से दीजिएगा। एग्जाम संबंधी कोई भी टिप चाहिए या फिर कोई भी आपको क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रख डालिएगा। एक बार फिर से, मैं दीपंकर समद्दार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमेशा आप लोगों के हेल्प के लिए।